मुरादाबाद में बीती 9 जून को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की गिरफ्त में आप इस आरोपी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस अपराधी ने कितना खूंखार अपराध किया है। इस युवक ने सिर्फ अपनी पत्नी पर शक में अपने बच्चों पर कैंची से हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। बाकी घायल 3 बच्चों को उपचार के लिए काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। बाकी बच्चे दोनों बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एसपी उदयशंकर ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवक ने सिर्फ इसलिए हत्या की थी कि उसे अपनी पत्नी पर शक था। दिनांक 9 जून को निर्मलपुर गांव थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र अंतर्गत एक पिता ने अपने 4 बच्चों को बड़े ही निर्दयता पूर्वक कैंची से प्रहार करके मारने का प्रयास किया था, जिसमें उसके एक बेटे की मृत्यु घटना के तत्काल बाद हो गई थी, एक बेटे की मृत्यु इलाज के दौरान हुई। घटना करने के बाद यह गांव के पास के जंगलों में छिपा रहा और पुलिस ने अथक इसके प्रयास से और गांव वालों के सहयोग से आज इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। घटना का कारण इसको अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में कुछ शक हुआ था, जिसके कारण इसके द्वारा उक्त घटना कारित की गई।